लेकिन जो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको साइन पूरे मिनिमम वेज पे कराया जाता है, लेकिन तनख्वाह उनको कम वही मिल रही है 8,000-9,000 रुपए। एक बार पुनः मौजूद हूं मजदूरों के समस्याओं को लेकर, और यह ताजुब है कि अभी चुनाव सर पर है, मोदी कंपेन जोरों पर है और हर जुबान पर हर हर मोदी, घर घर मोदी और मैं भी चौकीदार हूं। जब चौकीदार की बात आती है, दिल्ली स्थित मायापुरी में रिचा एंड कंपनी तथा रिचा ग्लोबल, ये दोनों कंपनी किसी एक मालिक की है और दोनों कंपनी में करीब 1600 श्रमिक विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं और इन कंपनी में मालिक पीएफ नहीं दे रहा है और कई अन्य मांग पेंडिंग है। इसी मुद्दे पर एटक से हमारे पास विजय कुमार राजपूत जी मौजूद हैं, कुछ विजय कुमार तिवारी जी मौजूद हैं कुछ कहने के लिए, बताएंगे विस्तार से ये सब कैसे हो रहा है। जी सर, देखिए जो रिचा एंड कंपनी की बात है जो आपने पूछा, वो मायापुरी में स्थित है और गुड़गांव में भी है, नोएडा में कई जगह कार्य करती है ये कंपनी। वहाँ पर करीब 800-900 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 250-300 कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको तो लगभग मिनिमम वेज मिल रहा है, लेकिन जो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको साइन पूरे मिनिमम वेज पे कराया जाता है, लेकिन तनख्वाह उनको कम वही मिल रही है 8,000-9,000 रुपये। लेबर डिपार्टमेंट में भी इनके खिलाफ एक्शन चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है, जनरल डिमांड का केस भी उनका चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मालिक अभी समझ में नहीं आ रहा है, मालिक उनका जो भी कानूनी सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक केस चलते हुए रिटेल कंपनी के मालिकान स्वीपर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बहाने उनको ट्रांसफर दिखा रहे हैं कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं नौकरी। ये जनरल डिमांड का केस है जो ऑलरेडी लेबर कोर्ट में चल रहा है यहाँ पर हरिनगर में, इसमें अभी तक कोई जवाब फाइल नहीं किया है मैनेजमेंट ने, जबकि कई डेटें लग गई हैं। और एक कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बहाने वहाँ पे कह रहे हैं कि आपको हम मानेसर ट्रांसफर कर रहे हैं। बताइए, एक स्वीपर कर्मचारी, स्वीपर की आवश्यकता क्या है मानेसर में? सफाई करना है उसको, उस आदमी को ट्रांसफर करना अच्छा लगता है जिसके वजह से वहाँ पे काम कोई रुकता है। स्वीपर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बहाने उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसफर का बहाना कर रहे हैं, जबकि उनको नौकरी से निकाला हुआ है। इसी प्रकार आपको रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, वो दोनों भाई हैं, आपस में अलग अलग कंपनियां चला रहे हैं, भाई भाई हैं दोनों, एक ही परिवार से हैं। वहाँ भी यही परेशानी है, वहाँ भी सुपर कर्मचारियों को निकाला हुआ है और वहाँ भी जनरल डिमांड का केस चल रहा है ऑलरेडी, जो लेबर ऑफिस में वहाँ पे पेंडिंग है। ये है आपकी फाइल, पूरी इतनी मोटी हो गई है फाइल। उसके बाद भी कोई भी मालिकान वहाँ पर अपना जो रिस्पॉन्स आदमी है उसको नहीं भेज रहा है ताकि सही से जवाब दे सके। यहाँ तक अब परेशानी है, पहले ओवर टाइम जो है डबल दिया करते थे कानून में, प्रावधान है फैक्ट्री एक्ट में। कुछ दिन से उन्होंने क्या कर दिया कि 2 घंटे का सिर्फ ओवर टाइम डबल देना शुरू किया, बाकी घंटे सिंगल देना शुरू किया। फिर भी कर्मचारियों ने काम किया कि चलिए रोजी रोटी का सवाल है। अभी पिछले वहाँ पर एक प्रोडक्शन मैनेजर है, मेन वहाँ पे है मिस्टर चड्डा, उन्होंने जबरदस्ती मजदूरों को कह दिया कि साइन आपको पूरे डबल ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, लेकिन हम भुगतान सिंगल करेंगे, काम करना है करिए या नौकरी छोड़ करके जाइए। यानी इतना बड़ा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा जो रिचा ग्लोबल और रिचा एंड कंपनी में हो रही है। मैं ये मांग करूँगा लेबर डिपार्टमेंट से और सरकार से कि इस तरीके के जो जमीन पे परेशानियाँ आ रही है मजदूरों को, उसको आप जरूर देखें। चुनाव के लिए सभी आते हैं, बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, आम आदमी पार्टी भी आती है कि हम मजदूर का हम हितैषी हैं, हमें वोट दो। लेकिन जब मजदूरों की समस्या है उसके लिए कोई नहीं है। पीछे बहुत अभियान चला न्यूनतम वेतन को लेकर के, गोपाल राय जी जगह जगह गए कि न्यूनतम वेतन हम लागू कराएंगे, लेकिन आज की भी डेट में ही है कि मालिकान और होशियार हो गए, साइन मजदूरों से जबरदस्ती पूरे पे कराते हैं और वेतन वही 8,000-9,000-10,000 भुगतान कर रहे हैं, और कोर्ट में जब कंप्लेन लगाओ तो देते हैं कि साइन पूरे पे हैं। जब ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि बैंक के माध्यम से दो, ECS के माध्यम से दो, उसके बाद भी आज भी कैश में वेतन दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी परेशानियाँ हैं, खास करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिचा एंड कंपनी, रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ के मलिकान के खिलाफ बहुत जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए सरकार के तरफ से भी और डिपार्टमेंट के तरफ से।
चूँकि ये फैक्ट्री दिल्ली में है और दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ की खबर बहुत तेज़ी से फैलती है, ऐसे में यहाँ के केजरीवाल सरकार, केजरीवाल का श्रम विभाग कितना संजीदा है और कितना कामगार हित में, श्रमिक हित में काम कर रहा है? देखिए, कहते हैं दिया तले अंधेरा, यहाँ पर है पूरा कैपिटल, बताया जाता है पूरा कैपिटल है, लेकिन जो मजदूरों की यहाँ पर समस्या है वो कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। बहुत आम आदमी पार्टी आई थी, बहुत उम्मीद से आई थी, सब मजदूरों ने वोट दिया था कि हमारे लिए कुछ करेंगे, और इन्होंने निर्णय लिया था कि हम ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, लेकिन आज की डेट में जितनी ठेकेदारी बढ़ रही है, शायद मुझे नहीं लगता कि कभी इतनी ठेकेदारी बढ़ी है, और ख़ास करके जो ज़्यादा शोषण कर रहे हैं मजदूरों का वो ठेकेदार कर रहे हैं, क्योंकि सीधा कहते हैं कि हमें ठेकेदारी मिलती है अगर किसी सरकारी अस्पताल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, तो हमें मोटी रकम देना पड़ता है जो अधिकारी है उनको, तो इसलिए हम मजदूरों को पूरा पैसे देंगे तो हम कमाएंगे क्या, सीधा कहते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे, मजदूरों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए इस बार मजदूर सब जाग गए हैं कि अगर मजदूरों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया, कोई भी पार्टी अगर अपनी मैन्युफैक्चर में मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, तो इस बार जो मजदूरों का अनदेखी करेगा वो सरकार आने वाली नहीं है, चाहे वो किसी की भी हो। चूँकि बात श्रमिकों से संबंधित है और AIGMTU के प्रमुख अध्यक्ष होने के नाते, तिवारी जी, आपने ये मामला सारा श्रम विभाग दिल्ली पर बताया है और इसको अंत में चुनाव में भी ले गया है कि वोट बैंक से इसका उपयोग, वोट से इसका जवाब देगा श्रमिक, ऐसे में श्रमिकों के पास केवल वोट ही रह गया है अपना हक पाने के लिए? नहीं, देखिए वोट तो है ही है, क्योंकि राजनीतिक दल जो मजदूरों का मिसयूज कर रहे हैं उसके लिए हथियार वोट है, और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए लाल झंडा है, जिसके लिए मजदूर तैयार हो चुके हैं और लड़ाई के लिए आगे बढ़ गए हैं, और अपने अधिकार के लिए अपना शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं, और यूनियन ने निर्णय लिया है कि जहाँ पर भी इस तरीके की समस्या है, मजदूरों का समस्या का समाधान अगर कानूनी ढंग से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पूरे डंडे झंडे के साथ हड़ताल किया जाएगा, और वहाँ पर पूरे आपको धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और जब तक मजदूरों का अधिकार नहीं मिलता वहाँ पर अपनी धरना को जारी रखा जाएगा। जी हाँ, यह जोश विजय कुमार तिवारी जी AIGMTU के अध्यक्ष का है, और रिचा एंड कंपनी तथा रिचा ग्लोबल कंपनी में जब तक न्याय नहीं होगा श्रमिकों के साथ, तब तक ये अपने मजदूरों के साथ लाल झंडा लेकर डटे रहेंगे। दिल्ली से कामगार इंडिया की यह रिपोर्ट।